नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर साफ साफ धमकी दे रही है आखिरकार निधि, क्योंकि निधि चाहती है कि मैं पुलिस स्टेशन में इन लोगों को बंद करवा दूं और ये फाइनली लूथर परिवार में आए ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सृष्टि बोलती हुई नजर आने वाली है कि निधि इस समय तुम्हारा बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि तुम कहीं से कहीं तक बच के नहीं जा पाओगी। तुम्हें अगर ये लग रहा था कि तुम पूरी तरीका से जीत चुकी हो तो ये तुम्हारी जीत नहीं है बल्कि हार की शुरुआत हो चुकी है, और हार भी तुम्हारी इस तरीका की होने वाली है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल की जो कहानी है वो और भी घनी दिलचस्प देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग इस समय बेहद ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं, और टेंशन का रीज़न भी बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर प्रीता का साफ साफ मानना ये है निधि से कि निधि तुम हमसे क्या दुश्मनी करना चाहती हो, हमें तो पता नहीं है, हम नहीं हमारा तुम्हारे हस्बैंड से कोई लेना देना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीता को पता नहीं है इस चीज़ की कि हाँ करण शादीशुदा नहीं है, और करण को उसे ये भी पता नहीं कि करण मेरा ही हस्बैंड है दोस्तों, क्योंकि इस समय प्रीता सब कुछ भूल चुकी है। आप लोग जानते हैं कि उसकी कुछ भी याददाश्त ज़्यादा नहीं है उस समय इसके पास में। लेकिन सृष्टि और यहाँ पर बात की जाए राजवीर, ये सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ चल रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजवीर इसलिए ही पलकी और साथ में काव्या के साथ में रह रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि किसी भी तरीका की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि नया ट्विस्ट भी बेहद ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है आप लोगों के बीच में। जल्दी ही कहानी एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको।